हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते मुखिया, आ गया आपका। ठीक है, सुबह सुबह आया। कारण भी है सुबह सुबह आने का, क्योंकि दिवाली है। छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भाई पता नहीं आजकल तो हर चीज़ दो दो तीन तीन दिन पड़ती है, कुछ समझ नहीं आता। धनतेरस कल भी थी, आज भी है। दिवाली आज भी है, कल भी है, कल भी है, परसों भी है। कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, तो जी आज की आपकी जो रीडिंग है वो हैप्पी का पायल रहने वाली है, क्योंकि कारण है उसका। कलेक्टिव रीडिंग हमने बहुत सोचा, लेकिन पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि दो दो पायल करेंगे। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, चिंता मत करो। 20 मिनट से ऊपर रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बकवास तो हम करेंगे, अपनी अपनी जो बोल है वो तो हम बोलेंगे। तो आप लोग टाइम्स डाल दीजिएगा कि रीडिंग कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है, और 10-10 12-12 मिनट की एक एक पायल की रीडिंग कर देंगे हम। तो हो गया, छोटा छोटा रीडिंग हो गया। और अगर आप पूरा भी देखना चाहते हैं, तो अगर 10-10 12-12 मिनट की हो रही है, तो जी 20-25 मिनट की रीडिंग तो हम वैसे भी आप लोग हमारी देखते हो। आधे घंटे 40 मिनट की रीडिंग देखते हो, तो 20-25 मिनट की पूरी रीडिंग देख लेना, एक दोनों पायल। भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्या पता दोनों में कोई मैसेज हो, ठीक है। देखिए, कुछ कारणवश ही हम कर रहे हैं पिकअप पायल रीडिंग। कलेक्टिव की हमें नहीं लग रही है कि हम कलेक्टिव की एनर्जीज आज ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि दिवाली का टाइम है। और सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि हमारी एनर्जीज कल बहुत डाउन थी, आज भी ठीक ठाक है, पहले से बेहतर है। आप लोगों की इतनी दुआएं होती है ना, तो अच्छा ही हो जाता है एक तरह से। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? गेस करिए। क्या नहीं, गेस करिए। अरे करिए, शर्माइए मत, चवनी देंगे, करिए तो सही। नहीं कर पाए। अरे कल इतनी नेगेटिव रीडिंग थी, टाइटल देखिए, हमने कोई शुगर कोटिंग नहीं की थी, नेगेटिव टाइटल ही रखा था। क्या रखा था? कि दिस पर्सन विल बी डिलीटेड बाय गॉड, है ना, फ्रॉम योर लाइफ। एंड जो मुद्दा ये है कि 2.8K व्यूज़ क्रॉस किया है, 2.8K। अजी हम बहुत खुश हैं, क्योंकि टाइटल से ही लोग उस वीडियो पे आए। अब कुछ नए लोग भी होंगे, कुछ पुराने लोग भी होंगे। अच्छी बात यह है कि कर्मा बिलीवर्स ने अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत कर दी है, और अब उनको ना वो शुगर कोटिंग वाली बातें ना रिझाती नहीं है। नेगेटिव वीडियो पे भी क्लिक करके आप लोग नेगेटिव वीडियो भी देख रहे हैं, और कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे। जाहिर सी बात है, हमें लग रहा है कि कुछ नए लोग भी आए होंगे, क्योंकि अमूमन आप खुद जाके देख लो, आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अभी 3-4 दिन की वीडियो उठा के देख लो, 2K, 1.5K, 1.7K, 1.8K, मतलब 1800, 1700, 2000 लोग तक पहुँच रहे हैं। लेकिन कल 2800 लोगों ने, वो नेगेटिव टाइटल होने के बाद भी 2800 लोगों ने वीडियो देखी है, जो कि एक भाई क्रांति है। ये हैं आप तो क्रांति ले आए, अरे शाबाश। हमारी तरफ से पीठ थपथपा लीजिएगा, जो हमारे बहुत दर्द है, सॉरी, पीठ थपथपा लीजिएगा हमारी तरफ से, ठीक है। एक वर्चुअल हम आपके पीठ थपथपा रहे हैं भाई, वाह शाबाश जियो। तो जी अभी तक तो यही अपडेट है, और हमको बड़ी खुशी है कि वो रिझाने वाली एनर्जी से आप फाइनली, देखिए इसी को बोलते हैं हीलिंग, जब आपको ना वो शुगर कोटिंग वाली बात है, क्योंकि सबको ना पॉजिटिव रीडिंग चाहिए, ठीक है। जब बोलेंगे कि भाई रिकन्सिलिएशन, ये पर्सन आंसू बहा रहे हैं, फलान आ रहा है, ढिमका यहाँ से आ रहा है, हैं, और दिस अबंडेंस इज कमिंग, ए ह्यूज लॉटरी है, क्या 50 बिलियन डॉलर्स इन योर अकाउंट, मतलब बाहर के रीडर्स इस तरीके के थंबनेल्स डालते हैं लोग रिझा के, और मतलब 80-80 के 70-70 के व्यूज़ चले जाते हैं उनके एक एक वीडियो पर, हैं। तो सोचिए एक एक वीडियो पे कितना कितना अच्छा खासा इनकम आता है। भाई जाहिर सी बात है, हमने आपको बोला कि 1500 से 2000 व्यूज़ के अकॉर्डिंग पे $1 काउंट होता है हमारा। $1 80 रुपये का वैल्यू चल रहा है, 80 या 82 रुपीज़ का कुछ वैल्यू चल रहा है। कभी कभार वही $2 भी हो जाता है, तो 160 रुपये, ठीक है। और वही कभी कभार 40 या 50 सेंट भी आता है, पता नहीं किस बेसिस पर यूट्यूब काउंट करता है, आई डोंट नो। जबकि 1500-2000 ही व्यूज़ जा रहे हैं, उसके बाद भी कई बार सुबह देखते हैं उसमें 50-40 सेंट्स इंक्रीज़ हुआ है। बड़ा बुरा लगता है कि $1 भी नहीं आया, सेंट मतलब वही 54-58 है। और इस बीच में हमने आपको पता है कुछ दिनों से हम गाना भी नहीं गा रहे, बताइए हमारा दिली ख्वाहिश जो है हम वो नहीं पूरा कर पा रहे अपने शौक़, हैं। कितना बुरा लगता है, सोचिए हम पे क्या गुजरती होगी, हैं। बिजलियाँ गिरती है भाई, बिजलियाँ गिरती है आपके मुखिया पे, और आपके मुखिया पे, मुखिया के यहाँ पे बहुत दर्द है, आके थोड़ी मालिश कीजिए ना। सारा काम हम ही करें, रीडिंग भी आपकी हम ही करें, सब कुछ हम ही करें यहीं बैठ के, हैं। और आप लोग बस रीडिंग के मज़े लेते हैं, सब्जी वालियों को पीछे जो वेंडर स्ट्रीट वाले वेंडर जाते हैं, हम इरीटेट होते हैं, आपको बड़े मज़े आते हैं। सही है, सही है, मुखिया जी परेशान होते रहें, आप लोग मज़े लेते रहो, है, अच्छा है। 444 देखा हमने, किसकी ज़िंदगी में भाई भर भर के स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनली इंडिपेंडेंस और फ्रीडम आ रहा है,
और वही हम आज देखने वाले हैं। कोई तामझाम वाली वो रैंडम रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। बेसिकली हम चेक करने वाले हैं कि दिवाली की ब्लेसिंग्स, इस समय का जो शुभ मुहूर्त, मतलब एक शुभ अवसर है धनतेरस और ये नरक चतुर्दशी और क्या बोलते हैं दिवाली, ये जो ये टाइम पीरियड है, इस बेसिस पे हम एक कलेक्टिव वो सॉरी पिकअप आई रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव बोला है तो जाहिर सी बात है दोनों रीडिंग देखना, दोनों पे हर किसी पे मतलब कलेक्टिव ही एक तरह से मतलब लगता है। अब लग रहा है कि कलेक्टिव ही रीडिंग निकल के आएगी। खैर जो भी है, ज़्यादा टैरोडेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टैरोडेक्स हम लेकर ही बैठे हैं तो चिंता मत कीजिए। तो जिनमें से पहला टैरोडेक है जो है ये है वो एंजल आंसर्स, ठीक है। ये तो भाई ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आंसर्स उनके क्या हैं, है ना, इस बेसिस पे। और ज़्यादा कार्ड्स हम लेंगे नहीं, आपको पता है, कोई टैरो डेक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मेजर अरकाना का डेक इस्तेमाल किया जाएगा, ये ज़रूरी है। तो ये है सेक्रेट इंडियन टैरो डेक, ठीक है। ये मेजर अरकाना के कार्ड होंगे, इसमें वो सारे पेंटिकल्स के कोई कार्ड नहीं होते, इसमें सिर्फ मेजर अरकाना होते हैं फूल से लेके वर्ल्ड तक, ठीक है। अरे 555 भी देखा, ट्रांसफॉर्मेशन फिर से तैयार हो जाइए आप लोग, आप लोगों की तो पता नहीं ऐसी लगाई है भगवान ने, ट्रांसफॉर्मेशन पर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, और वो हो गया पहला डेक, ये हो गया दूसरा डेक, ये हो गया तीसरा डेक जो कि है ओरेकल ऑफ द फेरीज। तो इसमें से भी हम हर पाइल के लिए, मतलब दोनों, दो ही तो पाइल है, हर पाइल मतलब क्या, दस बारह बारह पाइल थोड़ी कर रहे हैं, तो जितने भी पाइल हैं उनमें दो कार्ड लेंगे, तो दो कार्ड से पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर, एक ये टाइम पीरियड पे। तो आप इसको मान के चलिए ये पूरा नवंबर तक की इसकी एनर्जीज रहेगी, तो नवंबर की ही रीडिंग्स मान के चलिए, ठीक है। और हाँ, फोर्थ डेक है ये, ठीक है, ये तो हमारा फेवरेट है, इसके मैट फिनिश के कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें चमत्कारी रूप से कार्ड आ जाते हैं चमत्कारी मतलब एक ही उसमें लिखा होता है ना, जैसे मिरेकल्स है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी और थ्राइविंग है, और क्या बोलते हैं अबंडेंस, बड़ा सुंदर सुंदर सा कार्ड होता है, बड़ा प्यारा प्यारा सा है, फुलफिलमेंट, ऐसे करके एक ही चीज़ लिखा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें से भी हम हर पाइल के लिए दो कार्ड निकालेंगे, दो कार्ड फॉर ईच पाइल, दो या तीन बताइए भगवान जी, चार, क्या बात कर रहे हो चार कार्ड हैं एक एक पाइल के लिए, ठीक है, चार पाइल बोला है तो, ओ चार पाइल नहीं, अरे चार पाइल नहीं चार कार्ड एक एक पाइल के लिए, ठीक है, एक एक पाइल के लिए, मतलब पाइल वन के लिए चार कार्ड निकाले जाएंगे इसमें से, भाई लॉटरी है अपनों की, और दूसरे पाइल के लिए भी चार कार्ड निकाले जाएंगे इसमें से, ठीक है, लॉटरी है। इसमें से निकाले जाएंगे दो कार्ड, शुरू में ही हमको मैसेज आ गया था, तो एक दो दो कार्ड इसके, और इसके चार चार कार्ड, ठीक है, और एंजल आंसर्स टू ईच, तो ओरेकल ऑफ फेरीज और एंजल आंसर्स में से दो दो कार्ड, और सेक्रेट डेस्टिनी से और सेक्रेट, अरे वाह ये तो देखो आप, ये भी सेक्रेट डेस्टिनी है, ये भी सेक्रेट इंडियन है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हैं, ये तो बिल्कुल हो गया, क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस इत्तेफाक है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है भाई, ईश्वर की मर्जी है। और पाइल आपके कुछ ऐसे रहेंगे, पाइल बड़े सुंदर से पाइल है, कल लेकर आए हैं हम, आई होप आपको पसंद आएंगे, बड़े ही प्यारे से पाइल हैं भाई, पहली बार हमने ज़िंदगी में देखे तो ना, देखिए मन तो बहुत कर रहा था हमारा लेने का, खुजली हो रही थी, हमने मम्मी को बोला मम्मी एक ले लेते हैं ना, तो एक के बदले तीन आए हैं देखेंगे पाइल क्या लेके आए हैं, बड़ा ही सुंदर सा है। तो पहला पाइल जो है आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा, एक पहला पाइल कौन सा रखे, बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, पाइल वन विल बी दिस छोटा कैंडल, ठीक है, पाइल वन विल बी दिस छोटा कैंडल, ठीक है। तो ये आपका पाइल वन है, ये प्लास्टिक के कैंडल्स हैं जो डेकोरेटिव पीस हैं, और ये बड़ा ही लाइट वेट है भाई, 50 रुपये का एक है, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग मार्केट में देख लो आप लोगों के वहाँ पे कितना मिल रहा है, हमारे यहाँ पे तो ये 60 बताए थे, बट उसने बोला कि 100 के दो हैं, हैं, तो हमने बोला ना कि हम तीन उठा के लाए हैं, एक लेने गए थे तीन लेके आए, तो 100 के दो हैं, तो हम ऐसे दो लाए हैं, बट ये आपका पहला पाइल रहेगा, ठीक है। ये जलता भी है, कैसा दिख रहा है, वैसे इसके कलर्स बहुत ही ब्राइट है, पता नहीं है आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जी, इसके कलर ना ऐसा है, पता नहीं कैमरे में, कैमरा वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन रेनबो कलर्स हैं इसमें, पिंक, ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज सब दिखाई दे रहा है, शायद वो प्रिज्म वाली, लेकिन शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी लाइट कैसी है, बट ये ऐसा है, और ये रहेगी आपकी पाइल वन, ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरीके से पाइल वन, ठीक है, ये अब दिख रहा है ऐसा कलर है, और जब जलता है तो भी ऐसा ही जलता है, ठीक है, तो ये ऐसा है, देखो पाइल वन है ये,
और पाइल टू रहेगा आपका ये बड़ा वाला कैंडल, ठीक है। ये भी ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, पिंक ब्लू येलो दिखाई दे रहा है आपको, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, टेक्स्चर है इसका थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ है, ये वो है, ठीक है। ये 80 रुपीज़ का एक लिया है, कम नहीं किया उसने, हमने उसको बोला ये भी 100 के 2 दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और गरीब आदमी है आजकल, पता है ना, लोगों को इतना भी वो नहीं करना चाहिए, तो हमने उसे ले लिया बेचारे से। ये भी जलता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको जो पाइल पसंद आ रहा है, आप पाइल 1 या पाइल 2 लीजिए, ठीक है। ये रहा पाइल 1 और ये रहा पाइल 2 थंबनेल में मुझे हम पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि थंबनेल में यही आएगा ऐसे करके, मतलब आज आपको थंबनेल शायद ऐसी वाली दिखेगी ये खींच लो भाई, यूट्यूब वाले थंबनेल पता नहीं कहाँ से उठा के देते हैं, तो देख लो ये थंबनेल है, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2, ओके। तो जो आपको पसंद आ रहा है, तो पाइल 1 की रीडिंग करते हैं, ठीक है, पाइल 1 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने चूज़ किया ये छोटा वाला ऐसा कैंडल, ध्यान से देख लीजिए, अट्रैक्ट आपको जो कर रहा है वही उठाइएगा, ओके। वैसे हम आपको हीलिंग तो ज़रूर देंगे, चिंता मत कीजिए, हीलिंग देंगे वो ज़रूरी है भाई, क्योंकि रैंडम रीडिंग तो आपको पता है आज आएगी नहीं। अरे 11-11 देखा आउट ऑफ द ब्लू, और 10-10 भी देखा था, वैसे हमने 10-10 भी देखा था कैमरे पे, 11-11 भी देखा भाई, कमाल हो गया है। अच्छा हाँ, वैसे हमने आपको बताया नहीं कि हम रीडिंग इस समय क्यों कर रहे हैं, हम आराम से भी कर सकते थे, हमारी तबीयत वैसे भी आपको पता है दुरुस्त नहीं है, ये सब बहुत दर्द हो रहा है पता नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, आई होप वो, मैंने आई डोंट होप, हमें नहीं चाहिए ऐसा होप, लेकिन बगल में अभी देखिए घें घें वो शुरू हो जाएगा, जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। आप भी बोलते हैं ना कि कहाँ रहते हो, कितना शोर आता है, अभी शुरू होने से पहले हम रीडिंग ख़त्म करके यहाँ से जो है आप लोगों से पहले ही भाग लेंगे, यहाँ से कट लेंगे, ठीक है। तो हीलिंग दे देते हैं फटाफट से, उसके बाद जो है बाकी की बातें करते हैं, रीडिंग। पहली बात, बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, पता नहीं किसके लिए है, पाइल 1 पाइल 2 मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। मिरेकल्स बोले तो हिंदी में उसको चमत्कार कहते हैं, किसी प्रकार का चमत्कार जो उम्मीदों से हटके होता है, उम्मीदों से परे होता है। और ये बात भी हमेशा नोट याद रखिएगा कि रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं भाई, अगर मान लीजिए अगर 2-4 लोगों के ज़िंदगी में भी चमत्कार होते हैं तो होने दीजिए, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। कर्मा बिलीवर्स हैं हम लोग, जिनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं होने दीजिए ना यार, हम लोगों के कर्मा शायद उतने अच्छे हैं नहीं इसलिए हम लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए कभी ना कभी होंगे यार चमत्कार हम लोगों के ज़िंदगी में, तो उम्मीद रखिए और हिंसा नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से, ठीक है। कि अच्छी अच्छी रीडिंग आती है, पॉजिटिव रीडिंग आती है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है भाई, कुछ कर्मा आप लोगों के ख़राब होंगे तभी नहीं हो रहा है कर्मा, इसीलिए हम बोलते हैं वाइट बॉल्स कलेक्ट करिए, अच्छी तरीके से इकट्ठा कीजिए भर भर के, जिससे कि आपके कर्मास बैलेंस होते रहे और जल्दी जल्दी से चमत्कार भी हों और बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोग ज़िंदगी में देखें हैं, मिरेकल्स मिरेकल्स भाई। और दूसरी बात, हाँ, अचानक से जब हम ये वाइब्रेशन आपको दे रहे थे ना, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं और आप वाइब्रेशन इतना हाई है कि एकदम से हमारा शरीर बहुत भारी हो गया था,
मतलब भारी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ से उठ नहीं पाएंगे, पता नहीं। और एक घबराहट सी हुई हमको, और सडनली हमको ऐसा लगा कि जैसे एक जब हमको एक घबराहट सी हुई ना, ऐसा लगा जैसे कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। हमने बोला ना जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से हम अपने आप को बहुत भारी, हमको लगा कि हम बहुत शरीर हमारा एकदम से भारी हो गया और हम उठ नहीं पाएंगे, और इसी चेयर पे ही बैठे, मतलब ऐसा लग रहा था कोई खींच रहा है चेयर की तरफ ही, मतलब तुम उठो नहीं, तुम यहाँ से जाओ नहीं। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमने बोला ना कि पीपल अराउंड यू आर नेगेटिव पीपल हु डेफिनेटली वॉन्ट्स टू पुल यू बैक। कुछ है जो आपकी टांगे खींचना चाहते हैं, आपको पुल करना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई उनके मोटिव्स हमें अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन आप क्योंकि हाई वाइब्रेशन में है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप हाई वाइब्रेशन में है तो आप लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज़ से, यू आर प्रोटेक्टेड। दूसरी बात ये, हम ये कह रहे थे कि बाहर इस समय के दौरान, कल हम जब शाम को अपनी मम्मी के साथ गए थे, मंदिर गए थे, तो हमने चौराहे पे 8 बजे किसी को एक दीपक रखते हुए देखा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये सब काम जो ये चीज़ें होती है ना, अब उन्होंने किस मोटिव से रखा है, किस इंटेंशन से रखा है, आई डोंट नो। हम तो साइड से निकल गए, लेकिन समवेयर ना हमको बहुत ही स्पूकी वाइब्स आई उस चीज़ से। वो लेडी देखने में ठीक ठाक थी, अच्छी घर की, अच्छा सब कुछ था, अपने घर से निकली और चौराहे पे रखा उन्होंने, हम उसी रोड से जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो रखा ना और हम उसके साइड से गए ना, हमको बहुत ही अजीबोगरीब सी वाइब्स आई, हमको ठीक नहीं लगा कुछ। मतलब ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ किसी अच्छे इरादे से वो नहीं रखा है, कुछ किया कराया अच्छे करी होता है ना, आपको तो पता है वो रख के गई। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अगर किसी चौराहे से गुजर रहे हैं और इस तरीके का आपको, खासकर अंधेरा होने के बाद, 6 बजे के बाद, सुबह तो भाई वो पड़े ही रहते हैं, फिर भी अगर आपकी आँखों में आपको दिख रहा है कि दिया है, उसके ऊपर से ना जाए, उस पर पैर ना रखें, ठीक है। साइड से निकलिए, चाहे इस साइड से निकलिए चाहे लेफ्ट साइड से निकलिए, बट साइड से निकलिए, उसको टाप के नहीं जाना है, थोड़ा नीचे देख लिया करो, ठीक है। ऊपर ही कहाँ देखते हुए जाते हो, तितलियाँ बाद में पकड़ लेना, पहले अपने पैरों के नीचे देखो कहीं कोई कुछ इसी चीज़ों को आप रौंद के तो नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए कुछ मैसेज ही होगा किसी के लिए। और इस दौरान पे लोगों की ब्लैक मैजिक वाली जो प्रक्रियाएँ होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और लोग अपना ये सब अमावस है ना, अमावस का आपको पता है काली पूजा होती है हम लोगों की, बंगालीज की। और वैसे भी भाई हम लोग तो वैसे भी बदनाम है, बंगाली लोग, जादू टोना, पता नहीं कौन से लोग होते हैं वो, हमने कभी नहीं सुना ना कभी देखा, लेकिन वही है कि बंगाली जादू टोना करते हैं, है ना, ये सब भाई चला आ रहा है परंपरा, ठीक है। ये देखो स्ट्रीट वेंडर्स, देखा अभी वो शोर आ सकता है, तो जल्दी से हम बता देते हैं आपको। अच्छा, हाई वाइब्रेशन में कल तो कन्फर्मेशन हो गया कि हम भी हाई वाइब्रेशन पे हैं, हालांकि हमारी एनर्जीज बहुत डाउन अप डाउन हो रही हैं, आपको भी पता है। तबीयत कुछ नासाज है, ठीक नहीं है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है कुछ दिनों से। हाई वाइब्रेशन पे हम कैसे हैं आपको पता है, हम कल हम जिस रोड से अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे, हमारी मम्मी हैज़ अ फियर ऑफ डॉग्स, शी इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उनको जहाँ वो डॉग्स देखती है ना उनका हालत ख़राब हो जाता है, वो कहते हैं कहीं और से चले जाते हैं, वहाँ पे वो देख वो खड़े हैं, उनको देखते हैं वो पहले बोलते हैं अरे बाप रे गुंडे खड़े हैं, गुंडे, मम्मी कहती है गुंडे खड़े हैं। तो हमने कहा कुछ नहीं करेंगे आप चलो, और हमारे हाथ में उस समय लक्ष्मी गणेश थे जिनको हम लेकर अपने घर आ रहे थे, घर लौट रहे थे। तो उस गली से और एक झुंड देखा, बहुत दूर थे, हमने जस्ट उस गली में एंट्री किया था और सामने ही करीब 25-30 कदम की दूरी पर ही एक झुंड बना हुआ था जो दूसरों के पीछे भौंक रहे थे, डॉगीज़ करीब 4-5 डॉगीज़ थे जो एक साथ किसी पर भौंक रहे थे और बहुत गुर्रा रहे थे और बहुत बुरा, मतलब उनकी एनर्जीज काफ़ी ख़तरनाक थी। हमारी मम्मी ने कहा कि आज तो काटेगा, कुछ तो होगा, हमने कहा आप चलो तो सही, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। तो मम्मी कहती है अच्छा तुम भगवान हो क्या, तुम हमारे साथ, तो हमको प्रोटेक्ट कर रही हो। हमने कहा एक तो हनुमान मंदिर से देखो टीका लगा के लौट रहे हैं, साथ में गणेश लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ, ठीक है, लक्ष्मी गणेश जी को साथ लेके जा रहे हैं, ऐसे कैसे कुत्ता काट लेगा, और आप चलो हम भरोसा दिलाते हैं आपको कुछ नहीं होगा आज, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही उस डॉगी के पास से, वो पहले ही गुर्रा रहे थे भाई साहब, हालत तो हमारी भी, सच बताए ना हमारी फटी हुई थी, क्योंकि वो गुर्रा रहे थे उनकी और काफ़ी खूंखार एनर्जीज में थे। लेकिन हम जैसे ही गए, हमने जस्ट किया, ठीक है, जस्ट ऐसे किया और चारों डॉगी ऐसे शांत हो गए, कुछ नहीं किया, चारों डॉगी शांत हो गए और बैठ गए और उनकी पूंछ हिलने लगी। हमने कहा मम्मी चलो बस चुपचाप निकल लो, है कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस चुपचाप निकल लो।
बड़े प्यार से उन डॉगीज ने हमें देखा तो हमको लगा कि वाइब्रेशंस हाई है, डेफिनेटली हाई है। थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हीं का दोस्त था जो दूर खड़ा पहले से ही वहाँ पर अकेले ही चिल्ला रहा था, अकेले ही चिल्ला रहा था। उसको जाके बस, वो अकेला था ना इसलिए हमको ना बहादुरी दिखाने के लिए हमने बोला, क्या हुआ भाई पटाखे फट रहे हैं, फटी तो तुम्हारी भी होगी आजकल। तो पता नहीं उस डॉगी को क्या हुआ, वो डॉगी बैठा हुआ था और वहीं पे बैठे बैठे ही चिल्ला रहा था, लेकिन वो खड़ा हो गया एकदम से। पहले तो जैसे ही वो खड़ा हुआ भाई साहब हमारी वहीं पर जान निकल गई कि खड़ा क्यों हुआ है। और वो हमने चलने, हम चलने लगे ना तो वो आने लगा, मम्मी कह रही वो आ रहा है, तूने उससे बात क्यों की, क्या बोला तूने उसको। हमने कहा मम्मी पता नहीं, बस आया फिर हम खड़े हो गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस खड़े हो गए। हमने कहा हाँ बच्चा क्या हुआ, पटाखों से डरे हुए हो? नहीं है, देखो हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, गणेश लक्ष्मी है हाथ में, ठीक है खुश रहो, हैप्पी दिवाली। वो हमारे यहाँ तक चढ़ा था भाई साहब, वो डॉगी हमारे यहाँ तक चढ़ा था, कुछ नहीं किया, बस ऐसे करके हमारे ऊपर चढ़ा, ठीक है हमारे, बोला ना हमारे पुल की ऐसे छाती पे आया और हमारे दोनों हाथों पे थैला था तो हम उसको प्यार नहीं कर पाए। हमने बोला हाँ 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 हो गया, हो गया बच्चा, हाँ बच्चा हो गया, हैप्पी दिवाली। और फिर वो पूँछ चला था, वह चला गया, मम्मी को कुछ नहीं किया, मम्मी को कुछ नहीं किया। मम्मी की तो हमारी मम्मी की चेहरा देखने वाले थे उनकी, वहीं पर खड़े खड़े मम्मी कह रही है आज तो ये काटेगा। हमने कहा मम्मी नहीं काटेगा और हम उस गली से निकल गए सही सलामत। आज हम आपके सामने हैं, घर पे बैठे हैं, देखो रीडिंग कर रहे हैं, हैं तो माइट बी पॉसिबल हाई वाइब्रेशन पे है, लेकिन इसी दौरान पे, क्योंकि हाई वाइब्रेशन पे जब इंसान होता है ना तो उसको खींचने की प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, जोरों शोरों से चलती है। इससे पहले कि जोरों शोरों से प्रक्रिया चले, शोर शराबा हो और हम इरीटेट हो, हम रीडिंग कर लेते हैं आप लोगों की, ठीक है भाई। फैमिली हो आप लोग, हैं मुखिया आप लोगों से शेयर नहीं करेगा तो किस लोगों से करेगा बताओ, गाँव वासी से ही करेगा ना। तो मुखिया जी का आदेश, वैसे मुखिया जी का आदेश तो यही है कि कोई आके हमारी यहाँ पर मालिश कर दो यार, बहुत दर्द है कसम से बहुत। कल रात को हमने खुद ही मालिश की अपनी, मतलब ऐसे ऐसे करके, वो डॉक्टर की रिकमेंडेड एक क्रीम आती है मायोलेक्सिन नाम की, मायोलेक्सिन सुना है आपने, वो लगाया था यहाँ पर। सुबह उठ के भी कोई कम नहीं है, गर्म गर्म पानी डाला है नहाते वक्त, गर्म गर्म पानी ताकि थोड़ा कम हो, तो उससे थोड़ा सा आराम लग रहा है। एकदम खौलता हुआ पानी डाल दिया क्योंकि हमें लगा कि उससे आराम हो जाएगा, तो वो डाला तो तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन वो जब डाल रहे थे तब बहुत आराम आ रहा था, ऐसा लग रहा था सिकाई हो रही है, लेकिन जब आ गए तब वापस से थोड़ा थोड़ा दर्द अभी वापस से वैसे ही हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए असल में थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। एक मिनट जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी है। जी तो जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है, ये वाला, ठीक है ठीक है, जिन्होंने ये पाइल वन चूज़ किया है, करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। पाइल वन के लिए पहला कार्ड आ गया है हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे लिखा है, आपको पता ना हाई प्रिस्टेस है, और यहाँ पे देखो डेविड है, ये माँ दुर्गा वाली वाइब्स है, ये महिषासुर वाली वाइब्स है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है शक्ति, ठीक है, जो पहला तो जो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया जा रहा है, तो पाइल वन वाले भर भर के आपके इंट्यूशन पावर में, साइकिक एबिलिटीज में बढ़ोतरी, और भर भर के शक्ति, साथ ही प्रोटेक्शन भी, माता रानी का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाइल वन कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट कार्ड पाइल वन के लिए दिवाली ब्लेसिंग्स के तौर पे, ठीक है, एक कार्ड और
एक नहीं मतलब चार कार्ड लेंगे हमने ऑब्वियसली, तो देखते हैं और क्या आ रहा है। इंट्यूटिवली हमें लग रहा है लेना पड़ेगा क्योंकि कार्ड आएंगे नहीं। कार्ड आ गया है जिसमें एक कार्ड ने थोड़ा दिखा है, दूसरा कार्ड हम नहीं लेंगे लेंगे दिख गया। दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून ये आया है, इस कार्ड ने अपना थोड़ा दिखा दिया है, तो ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। खुश हो जाइए भाई साहब, खुश हो जाइए पाइल नंबर वन वाले भाई। भाग्य जो चक्र है वो पलटता हुआ और आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आता हुआ। चैरियट के साथ ये आए सारथी को लेके, ठीक है भाई, मतलब इससे अच्छी रीडिंग, इससे बेहतरीन रीडिंग कोई हो सकती है? आप सोच सकते हैं क्या? फाइनल कार्ड लेते हैं। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड गाइस। पाइल वन यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। शक्ति, आपको इतनी शक्ति दी जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरे पाइल वन वाले कॉन्ग्रेचुलेशंस, वन ऑफ योर ड्रीम्स इज कमिंग ट्रू दिस नवंबर। कोई आपका एक सपना जो है, बहुत शायद बहुत लंबे टाइम से आपने देखा है, क्योंकि ये कार्ड आया है ना वील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली लंबे टाइम से देखा गया किसी का कोई सपना, कोई बेहतरीन से बेहतरीन जॉब, किसी गवर्नमेंट जॉब में घुसने की तैयारी, कोई एग्ज़ाम दिया है आपने कुछ क्लियर, मतलब कुछ किसी चीज़ का रिज़ल्ट नवंबर में आ रहा है और वो भी आपके विश फुलफिलमेंट होगी। मतलब लिटरली पाइल नंबर वन वाले आप लोगों की तो लॉटरी है भाई साहब। स्टार का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट होता है, एक फेम, एक पॉपुलैरिटी, मतलब हर तरीके से चांदी नहीं है, सोना ही सोना है, सोने पे सुहागा है, बल्कि हीरा ही हीरा है। आप लोग तो बटोर लो बस, इसमें कोई बॉटम ऑफ द डेक कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है, इसको हम साइड में रख रहे हैं। अभी आपके ये चार कार्ड्स आए हैं, इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। शक्ति, धर्म, मतलब हिंदी में पहले इनके बोल रहे हैं, हाई प्रिस्टेस शक्ति, व्हील ऑफ फॉर्चून धर्म, चैरियट रथ, द स्टार तारा, ठीक है। तो मतलब अगर कार्ड्स आप देखें, एक भी नेगेटिव कार्ड तो है नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमने, जैसा कि शुरुआत में आप लोगों को में से कुछ लोगों को बोला था कि बाहर जब जा रहे हैं चौराहों पर और इन सब चीज़ों में, खासकर इन 24 घंटों में अपना पूरा ख्याल रखें। 24 घंटे नहीं, कल रात तक, मतलब परसों तक, 48 घंटे तक आप थोड़ा प्रोटेक्टिव रखें अपने आप को। बाकी माँ तारा माँ बोला हमने, आपको पता है तारा माँ होती है, एक तारा पीठ होता है सिद्धपीठ, वहाँ पर हम 3 बार जा चुके हैं, बहुत अच्छा है, 2 या 3 बार हम विज़िट कर चुके हैं तारापीठ। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप जो है, तारा माँ इज़ वेरी प्रोटेक्टिव और माँ काली जैसी ही होती हैं वो भी, आपने देखिएगा उसमें, देखिएगा तारा माँ की वो जो उनकी स्टोरीज़ हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं माँ तारा की, ठीक है। तो जय माँ तारा। तो पता नहीं, बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप लोग पाइल नंबर वन वाले, ठीक है। शक्ति भर भर के आपके अंदर आएगी, मतलब यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस एनी मोर अपनी ज़िंदगी में। बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइनली आप लोग शायद, मतलब एकदम होता है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो अन्याय नहीं सहता है, लेकिन अन्याय करता भी नहीं है किसी के साथ और सहता भी नहीं है, मतलब छील के रखने वाली एनर्जी बेसिकली, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स, जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, जब आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं छीनने के लिए तो छीन सकते हैं। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले किसी ने एक कमेंट किया है कि अब वो लौटा, मतलब कल की वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया है, पता नहीं किसने, नाम भूल गए हम, लेकिन हमने कमेंट पढ़ा है, जाहिर सी बात है तभी बता रहे हैं कि अब अगर वो लौटा तो हम तो उसको छीन देंगे। मतलब लिटरली इतना नेगेटिव उसका हेडलाइन होते हुए भी आप वीडियोज़ देखें, शुगर कोटिंग नहीं है, फिर भी आप देखें वो वीडियो, मतलब जाहिर सी बात है आप लोग बहुत हील हो रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेना फाइनली सीख रहे हैं। भाई कब तक कारपेट बने रहोगे, कब तक मटर बने रहोगे, ज़िंदगी भर के अपने आप को छिलवाने का इरादा है। जाहिर सी बात है कर्मा बिलीवर्स है, किसी को छीनने का इरादा तो नहीं रखता है कर्मा बिलीवर्स, ठीक है, लेकिन हाँ अपने आप को छिलवाने का भी नहीं है, अभी बहुत हो गया, इट्स डन, ठीक है। भगवान भी देखता है यार, एक टाइम के बाद हर चीज़ की समाप्ति होती ही है, ठीक है ना, ये भी टेम्पोररी है, आपको पता है कुछ भी परमानेंट तो वैसे भी नहीं होता, तो ये एनर्जीज भी टेम्पोररी है, कब तक छीले जाओगे, एक टाइम पे तो फुल स्टॉप लगेगा उस चीज़ में, तो लग गया। और कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट एंजल आंसर्स लास्ट में देंगे, सेक्रेट डेस्टिनी से देख लेते हैं, 4 कार्ड्स लेंगे सेक्रेट डेस्टिनी से। पाइल नंबर वन वाले आप लोगों की तो
बढ़िया है जी, बढ़िया है। ये रहा, ठीक है। फाइल नंबर थ्राइविंग, हमने पहले भी बोला था ना, ये ऐसा करके लिखा होता है, थ्राइविंग। यू आर थ्राइविंग, आप उभर रहे हो, उभर रहे हो, ठीक है। थ्राइविंग कार्ड की खूबसूरती देख लीजिए भाई साहब। भाई आप लोग ना, आपका आपका ऑरा एक फैल रहे हो, मतलब फैल रहे हो, मतलब शरीर से नहीं लेकिन आपका ऑरा फैल रहा है, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ छा जाएंगे, मतलब यू विल बी ऑब्जर्व्ड। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन होगा नहीं जो आपको देख के इग्नोर कर पाए, सब आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, ठीक है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के कहना है। दूसरा कार्ड देखते हैं थ्राइविंग के बाद, पाइल नंबर वन वालों के लिए, और क्या नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर वन वाले, प्लीज़ भगवान जी बताइएगा। पाइल नंबर वन वाले नवंबर में और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एम्ब्रेसिंग, कार्ड्स की खूबसूरती तो देखिए यार, खूबसूरती तो देखती ही बनती है। एम्ब्रेसिंग, ठीक है, ये नंबर वंबर है क्या, नहीं है। एम्ब्रेसिंग व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है, हाई प्रिस्टेस के नीचे ये आया है, तो आपकी जो शक्ति है वो थ्राइविंग विच इज़ इंक्रीजिंग। ओके, जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं वो ही बताएंगे ना। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे लिखा है धर्मा, एम्ब्रेसिंग, तो धर्मा को एम्ब्रेस करने का टाइम आया है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, एम्ब्रेस, समझ रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तीसरा कार्ड देखते हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नज़र ना लगे भाई। फाइल नंबर टू, फाइल नंबर वन वाले, दो दो कार्ड एक साथ नहीं लेंगे। एक कार्ड ने अपना थोड़ा दिखाया था कुछ कुछ, लेकिन लिखा क्या हुआ था पढ़ा नहीं भाई। अगर वो कार्ड दोबारा आया तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे करके ऐसे हो गया, इसलिए हमने ठीक से दो कार्ड के साथ आया था ना, तो थोड़ा दिखाते दिखाते पलट गया, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर दोबारा आना होगा तो वही कार्ड आएगा। दो दो कार्ड एक साथ आके गिर रहे हैं, हालांकि नहीं देखा हमने, दो ही कार्ड चाहिए, लेकिन एक एक करके लेना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक ही करके लेना चाहते हैं, अगर दोनों थोड़ा दिखा देंगे तो ठीक है दोनों ले लेंगे, लेकिन एक एक करके लेंगे ना तो ज़्यादा सुविधा रहेगा। प्लेजर किसके नीचे आया है, चैरियट के नीचे, रथ, तो ये जो प्लेजर है ना वो रथ में आ रहा है। चैरियट इज समथिंग कमिंग, चैरियट मतलब आ रहा है, ठीक है। प्लेजर, दिस इज कमिंग प्लेजर आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ, प्लेजर। यार क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, जान लोगे मुखिया की है। इसमें भी खुशी नहीं हो रही आप लोगों को है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। हालांकि हमें पता है पाइल नंबर वन जिन्होंने छोटा कैंडल चूज़ किया है वो छोटा ही सोचते हैं, हमारी तरह बड़ी सोच नहीं रखते हैं हमेशा ना, वो सोचते हैं कि छोटे छोटे ख्वाब देखने वाले हो सकते हैं पाइल नंबर वन वाले, नहीं तभी छोटा कैंडल चूज़ किया। देखो पाइल नंबर वन में छोटा कैंडल है, पाइल नंबर टू में बड़ा कैंडल रखा है, जाहिर सी बात है जिन्होंने किसी ना किसी ने तो पाइल वन चूज़ किया होगा ना, तो आप लोग ज़रूर ना हमारी तरह होंगे, मतलब कम चादर में वो पैर फैलाने वाले लोग जो छोटे सपने छोटे ड्रीम्स देखते हैं और छोटे चीज़ों में खुश हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पाइल हमने मन में यही पाइल चूज़ किया है। तो पाइल नंबर वन स्टार के नीचे देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या होता है आ रहा रहा, क्या आ रहा है। स्टार के नीचे आ गया है, एक कार्ड आया है। ओके, समथिंग इज कमिंग इन टू लाइट, सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ इज गोइंग टू बी रिवील्ड, विच इज सम काइंड ऑफ अ रेवलेशन, सम काइंड ऑफ कन्फेशन, सम काइंड ऑफ एडमिटिंग समवन, कन्फेसिंग, इस टाइप का कुछ सच्चाई या फिर कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई थी, विच इज़ कमिंग इन टू लाइट फाइनली विद दिस ट्रूथ, विच इज़ समथिंग विच इज़ योर विश फुलफिलमेंट। आप किसी चीज़ की सच्चाई पता लगाना चाहते हैं, किसी चीज़ का सच जानना चाहते हैं, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, ठीक है। और वर्क प्लेस में किसी अगर पॉलिटिक्स वगैरह का शिकार हैं, किसी चीज़ बैक आपके माइंड में चलता रहता है कि ये हमारे पीठ पीछे क्या सोच रहे हैं, हमारे हमको जॉब
कहीं वर्क प्लेस की भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे आपने कहीं जॉब आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या बेसिकली जॉब अथॉरिटी वाले, कंपनी वाले आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एक विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है विद दिस ट्रूथ कमिंग इनटू लाइट। और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये कुछ अच्छा ही है, बस समझ लो कुछ अच्छा ही है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, पॉजिटिव है। ये जो ट्रूथ सामने आ रहा है, इससे आपको प्लेजर ही मिलेगा, खुशी ही मिलेगी। प्लेजर, ट्रूथ, पोजिशन भी तो देखना पड़ता है ना, स्टार के नीचे ट्रूथ है। ऑल द बेस्ट। नज़र न लगे हमारे बच्चों को, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे, आपको पता है हमने रख दिया है। नेक्स्ट लेंगे ओरेकल ऑफ द फेरीज, ये रहा, ठीक है। इसमें से दो कार्ड लेंगे, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, ठीक है। हिचकी सी क्यों आ रही है हमें, है? 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 बताइए ना, हिचकी क्यों आ रही है हमें। अच्छा, ये है ओरेकल ऑफ द फेरीज, ठीक है। तो इसमें से हम लेंगे दो कार्ड पाइल नंबर वन वालों के लिए। पाइल नंबर वन वालों के लिए दो कार्ड, पहला कार्ड आया आया आया। गाइस, हिडन डेप्थ्स, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं डेप्थ में, जिसको आप बहुत लंबे टाइम से शायद कुरेद रहे हैं। यू वांट टू डिग डीपर कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है। यूनिवर्स की प्लान्स जो अभी कुछ टाइम से रीडिंग में आ रहा है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि खोदने की कोशिश मत करिए, डोंट डिग इट टू डीपर, रहने दीजिए, ज़्यादा यूनिवर्स के प्लान्स को नहीं छेड़ते हैं। हिडन डेप्थ्स, किसी कुछ गहराइयाँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ना, यहाँ पर एक ट्रूथ आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। और पाइल नंबर वन वाले आपके कार्ड्स तो बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे पहला कार्ड आपका हाई प्रिस्टेस का है गाइस, ठीक है। तो ये मतलब हिडन चीज़ों को लाइट में लाने का, देखो ये कार्ड आपका पहला मेजर अरकाना ये है और लास्ट में ये आया है, ठीक है। ये चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो लाइट में आ रही हैं, समझ रहे हो। अरे हम इतनी देर से समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, जान लोगे क्या हमारी, इतनी अच्छी तरीके से तो कार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, अब तक तो आप लोगों को भी टैरो रीडर बन जाना चाहिए सबको, है फ्री फंड में। हिडन डेप्थ्स, अब यहाँ पे जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। हाँ, कितनी सुंदर है यार ये, है? जगह कितनी सुंदर है यार, पीछे झरना बह रहा है, बिल्कुल ऐसा कार्ड है ना, देखो ऐसा कुछ ऐसा ऐसा सा नहीं है, देखो कुछ ऐसा ऐसा सा नहीं है, देखो 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 देखो, है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना। यहाँ लिखा है समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट। ओ भाई साहब, इतनी देर से हम आपको यही तो बता रहे हैं। अच्छा सुनो, जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, पता चले आपको भरोसा नहीं है, आप बोलेंगे मिनी ने अभी ये बोला था, अब ये कुछ भी पढ़ रही है, अपने आप से बना के बोल रही होगी, है ना। तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, उल्टा दिखेगा लेकिन वो आराम से आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में तो आएगा ना। अभी हम आपको पढ़ के बताएंगे इसको सीधा सीधे तौर पे, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है। कैमरा फोकस कर रहा है हमारा, देखिए सस्ता सा गंदा सा फ़ोन है तो कुछ नहीं कर सकता, ये लो हिडन डेप्थ्स, और ये रहा, ठीक है। अब जूम करके फोटो ले लेना, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से दिखाया हमने, ठीक है। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, तो कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं फाइनली वो रोशनी उस पर पड़ने वाली है। परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, परहैप्स अ सीक्रेट और अ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज दैट व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। जब एंजल्स कह रहे हैं कि जब हम उस चीज़ को एक्सपोज कर देंगे कि जो चीज़ें हिडन हैं, तब हम आज़ाद हो सकते हैं। देखिए ये कुछ किसी टाइप का रिलेशनशिप का इशू भी हो सकता है, जो आपको नहीं पता है कि किसी के मन में, किसी के फीलिंग्स, किसी के कुछ भी क्या चल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। बाकी रिलेशनशिप के अलावा भी हमने आपको जॉब वाली अपॉर्चुनिटी में वर्क प्लेस की बताई। अगर आप जॉबलेस हैं तो कंपनी, वाई द कंपनीज आर नॉट हायरिंग, क्या चल रहा है, कुछ आपको पता चलने वाला है इस नवंबर में। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइमलाइट में चीज़ें एकदम साफ़ हो जाएंगी कि क्या माजरा था, आपको जॉब में क्यों लिया गया है, क्यों निकाला गया है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, व्हाट इज़ हैपनिंग।
और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि विश फुलफिलमेंट है, आप फ्री रहेंगे इस चीज़ से, फ्री हो जाएंगे एक तरह से, आप आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है भाई। कोई अगर आप मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में स्टक है, वन साइडेड है, आपको नहीं पता चल रहा है कि वेदर द सामने वाला आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, आपका क्रश है कोई, ठीक है, तो वो भी अगर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देंगे तो आप कम से कम आज़ाद तो हो जाएंगे, आपको पता तो चल जाएगा। अगर वो क्लोजर भी देते हैं तो भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये पर्सन डजेंट लव यू, तो आप लोग कम से कम फ्री हो जाएंगे। अगर वो पर्सन बता देते हैं कि ये इस पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो भी आप कम से कम, आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना वक्त लगा दिया किसी ने कन्फेशन में, लेकिन कम से कम आप वो जो स्टकनेस है उस माइंडसेट से तो फ्री होंगे, क्योंकि प्लेजर ही है, तो बेसिकली आपको खुशी ही होगी, जो भी आएगा उस चीज़ से आपको खुशी ही होगी, ठीक है। दूसरा कार्ड लेते हैं ओरेकल ऑफ द फेरीज से, ओरेकल ऑफ द फेरीज या ना इसका नाम, हाँ ओरेकल ऑफ द फेरीज, दूसरा कार्ड लेते हैं, ठीक है, पाइल नंबर वन, सेकंड कार्ड। 40 मिनट की रीडिंग हो गई है, कभी हमने रीडिंग लेट शुरू की थी तो आप वो क्या कहते हैं टाइम्स डाल दीजिएगा कि रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये काम हम आप ही को देंगे, आप ही को करना पड़ेगा ज़िंदगी भर जब तक हम रीडिंग करेंगे, मतलब यूट्यूब पे, ये काम आप ही का है, हमारा काम नहीं है, सारा काम हम ही करें। ये रहा विजडम, कार्ड्स की खूबसूरती यार, ये कितना सुंदर जगह है, है अरे यहाँ पे एक उल्लू है गाइस, उल्लू नहीं नहीं आप लोग उल्लू नहीं है, उल्लू पता है क्या होता है, लक्ष्मी जी का वाहन होता है, ठीक है, अगर आप कनेक्ट करेंगे ना चीज़ों को कनेक्ट हो जाएंगी, लक्ष्मी जी साक्षात पधारी हैं आपकी रीडिंग में भाई जी, भाई माँ तारा मतलब माँ काली शक्ति के साथ माँ तारा, ठीक है, ग्रीन तारा माँ, माँ तारा जो तारापीठ की देवी हैं, और मतलब लिटरली व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे श्री कृष्ण, ठीक है, रथ पे, मतलब आपकी रीडिंग बहुत ही दैवीय रीडिंग है, दैवीय डिवाइन रीडिंग विजडम, ठीक है। और यहाँ पर है ये सबसे पहले हमें ये आउल अट्रैक्ट किया है, ये लक्ष्मी जी का वाहन होता है, कार्ड का वो है विजडम। अच्छा, बहुत लोगों की लाइफ में एक यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा है, ठीक है, समवेयर बहुत ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, लग रहा है मतलब है थोड़ा सा, जैसे आपका हार्ट चक्र शायद ओपन हो रहा है, हमने भी ग्रीन पहना, वाह 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 वाह, तो है भाई कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है, माँ लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में ट्रू लव दे रही हैं, आशीर्वाद समझ के ले लो, अगर ट्रू लव है तो आपको समझ आ जाएगा, भगवान जी आपके सामने ट्रूथ रखेंगे ना, चिंता मत करो, ट्रूथ रखेंगे। विजडम है, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज, किसी ने बताया कभी आपको कि आप बहुत वाइज हैं, नहीं बताया, हम बता रहे हैं, सुन लो, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से, अपने ईयर्स के जितना जीवन आपने बिताया है उसके हिसाब से किसी ने आपको कभी बताया है कि आप कितने वाइज हैं, नहीं बताया, हम बता रहे हैं, कर्मा बिलीवर्स आर वेरी वाइज, ओके, किसने बोला, मुखिया ने बोला, विश्वास करते हो हम पे, नहीं करते, गलत बात है। नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम, देखा फेरी विजडम, अब ये वो वक्त आ गया है जब आप इतने वाइज ऑलरेडी, आपने अपने उम्र से ज्यादा, आपकी उम्र से ज्यादा विजडम, आप मतलब लिटरली 16 साल की एज में शायद आप 60 साल वाली विजडम लेके घूम रहे हो, वेरी मैच्योर। नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज, अब वो समय आ गया है कि जब आप अपनी खुद की इनर फेरी विजडम, फेरी विजडम मतलब जो फरिश्तों वाली जो विजडम है ना, मतलब स्पिरिचुअल के अलावा भी एक वही एक होता है ना फेरी विजडम, क्या बोलते हैं उसको, चमत्कारी विजडम जो आपके अंदर समाई हुई है विजडम, विजडम वो अब आपको हेल्प करने के लिए, हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए अब वो टाइम आ गया है कि आप उसका इस्तेमाल करें। नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम, उसको बुलाने का, उसको वो करने का, टू हेल्प यू विद अ चैलेंज, ताकि आपके हर चुनौती में वो इनर वाली जो फेरी विजडम है उसका इस्तेमाल करके आप लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये पढ़ लेना खुद, ठीक है, समझ में आएगा आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है भाई। अच्छी तरीके से अगर एक्सप्लेन करने लगे ना तो पूरी वीडियो बहुत वो हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत आप काम खुद भी करा कीजिए, ठीक है, अपना काम स्वयं करो। एक चैप्टर हुआ करता था हिंदी में, हमारी थर्ड क्लास की किताब में पढ़ा था हमने, अपना काम स्वयं करो, ठीक है। तो ये रहा दूसरा कार्ड, इससे अब हम ले रहे हैं एंजल आंसर, पाइल नंबर वन, आपकी रीडिंग समाप्त होने के कगार पे, ये रहा
एंजल आंसर्स, यहाँ से दो कार्ड्स लेंगे और देखेंगे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस दौरान पे। 444 देखा, स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के जीवन में, चिंता मत करो। बहुत बहुत लड़े हो आप अपनी ज़िंदगी में, बहुत क्योटिक, बहुत स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हो, फाइनली एक स्थिरता आ रही है जीवन में, ठीक है। फिकर ना करी, फिकर ना करी, मिनी है ना यहाँ पे, हैव नो फियर व्हेन मिनी इज हियर। हम बैठे हैं ना यार, आपका दोस्त, हम आपके दोस्त हैं, आपको पता है ना, कोई आपका दोस्त हो ना हो, मिनी है यहाँ पे, मिनी है यहाँ पे, जब तक जिंदा है हम आपको हेल्प करेंगे विद बिग हैप्पी चेंजेस। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग हैप्पी चेंजेस। रीडिंग तो मतलब सुभान अल्लाह जिसे बोलता है, मैं भी माशाल्लाह बोलने वाले थे लेकिन ये तो सुभान अल्लाह है ना, अब इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये कुछ शब्द होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही शब्द अच्छे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, माशाल्लाह भी और सुभान अल्लाह भी। तो बिग हैप्पी चेंजेस गाइस, पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नज़र ना लगे हमारे बच्चों को, हाय। पाइल नंबर 2, और ये पाइल नंबर 2 बोला हमने, पाइल नंबर 2 भी जाके देख ही लेना, ठीक है, कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 1 पे ही खुश हो रहे हो तो पाइल नंबर 1 पे ही छोड़ देना, ठीक है। पाइल नंबर 1 वाले, दूसरा कार्ड आ गया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेके एंजल्स कह रहे हैं आपको, एज एन एडवाइस वो दे रहे हैं कि किसी चीज़ को लेके अगर किसी दुविधा में हो तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में अटक रहे हो, कोई दिक्कत है, गेट अ हेल्प, गेट अ एडवाइस, सीक एन एडवाइस फ्रॉम समवन, ठीक है, फ्रॉम समवन। है यहाँ पे मुखिया तो बैठा ही है, लेकिन अगर आपको किसी से, बेसिकली किसी सिचुएशन में, कहीं किसी सर्कमस्टेंसेस में अटक जाते हो किसी सिचुएशन में, तो रीडिंग ले सकते हो आप अपने पसंदीदा भरोसेमंद टैरो रीडर से, ठीक है। और टेक अ हेल्प, टेक एन एडवाइस फ्रॉम समवन इफ़ यू वांट, ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है, मिनी ने ऐसा नहीं बोला, अगर आपको नीड लगती है तो टेक एन एडवाइस फ्रॉम समबडी, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और किसी चीज़ को लेके वैसे भी बहुत सारे ट्रुथ्स तो भाई रिवील होने ही वाले हैं समवेयर, कार्ड्स बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन और भी इकट्ठा कर लेना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, यहीं पर समाप्त होती है पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग, कार्ड्स हम रख देते हैं। पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है, कार्ड समेट लेते हैं हम अच्छी तरीके से, पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि ये कार्ड्स जो है रिपीट ना हो। मिक्स करके रख रहे हैं ताकि ये कार्ड्स पता चले कि अलग अलग वो करके फिर सेम एक जैसे आ रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा हचपच करके रख रहे हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 यहाँ से आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, 4810 ये रहा पाइल 2, ठीक है, जिन्होंने ये वाला कैंडल चूज़ किया है बड़ा वाला, और जिसके ऐसे कुछ वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, टेक्सचर, पाइल 2, ठीक है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। तो हमने बता दिया है पाइल 2 की रीडिंग चल रही है, ओके। पाइल 2 देख लेते हैं पहले मेजर अरकाना से, क्या आ रहा है आप लोगों के जीवन में पाइल 2 नवंबर में। गणपति और लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स के तौर पे वो आपको क्या दिखाएंगी, क्या दिखाएंगी, क्या देंगी, क्या बताएंगी, है ना, आपके जीवन में क्या देंगी, बेसिकली क्या चीज़ें आपके जीवन में वो ला रही हैं इस नवंबर, ब्लेसिंग्स के तौर पे अपने आशीर्वाद स्वरूप आपको क्या देने वाली हैं वो, उसका पता लगा रहे हैं। पहला कार्ड आया है, इससे अच्छा हम कलेक्टिव ही कर लेते। पहला कार्ड ये आया, आप ही लोगों के सामने शफल किया, और पता है कितना हौच पौच करके एक साथ गुजर के रखा हमने चारों कार्ड को, ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके रखा। शक्ति, पाइल नंबर 2, पायल कलेक्टिव ही करनी चाहिए थी, पता नहीं हमको काहे के लिए पायल 1 और 2 की कॉलिंग आई थी कि नहीं पिकअप पायल करनी चाहिए, बट समवेयर पता नहीं, आगे देखते हैं क्या। शक्ति,
सेम चीज़ है, पाइल वन भी जाके देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए होगी कुछ ना कोई मैसेज उसमें भी होगा, पाइल वन भी देख लीजिएगा ठीक है। जिन्होंने ये बड़ा वाला कैंडल चूज़ किया ना तो छोटा वाला कैंडल भी देख ही लेना। तो पाइल वन सेम चीज़, हाई प्रीस्टेस विद दिस शक्ति, दोबारा से रिपीट करेंगे, कहीं पर जा रहे हैं किसी चौराहे पर, थोड़ा ध्यान से जाइएगा ठीक है। पाइल वन भी देख लीजिएगा एक बार। डेविल इंटेंशंस बहुत सारे लोगों की हो सकती है। थर्ड आई चक्र आपका भी ओपन होने वाला है। साइकिक एबिलिटीज, साइकिक क्वालिटीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी, खुल जाएंगी ठीक है। सारी चीज़ें आप खुद ही अपने अंदर समा लेंगे, दिख जाएंगी आपको, पहले से होने वाली होंगी, पता चल जाएंगी। पाइल वन पाइल टू बोथ सेम रीडिंग। आगे देखते हैं, हमको शायद इंटूटिवली लेना पड़ेगा, इसमें कार्ड्स नहीं आ रहे खुद से एक भी। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट शफल करते हैं और फिर कार्ड खोल लेंगे। पाइल टू लवर्स, कृष्ण जी की एंट्री हो रही है, राधा कृष्ण की। पाइल टू वालों की लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है, माँ लक्ष्मी और माँ गणपति जी, माँ लक्ष्मी श्री कृष्ण आपको आपके सोलमेट से नवाजेंगे इस महीने। यू आर अबाउट टू मीट योर ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी भी ये रीडिंग है। हालांकि पाइल वन वाले प्लीज़ पाइल टू भी देख लेना, वो इसलिए क्योंकि हाई प्रीस्टेस पाइल टू में भी आया है, तो जो कार्ड रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज होगा। तो पाइल वन आप लोगों की लाइफ में भी आपका ट्रू सोलमेट आ रहा है, अब हमने बोल दिया है तो पाइल वन वालों की लाइफ में भी ये चीज़ें होंगी ठीक है। पाइल नंबर टू के लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पर और क्या आ रहा है, कार्ड नहीं आ रहे यार। खुद ही लेना पड़ेगा। डेविल बहुत सारे अनहेल्दी पीपल, अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी बोला ना, अनहेल्दी वाइब्स, अनहेल्दी पीपल, डेविल इंटेंशंस, ब्लैक मैजिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ से रिमूव हो जाएंगी इस महीने नवंबर में। वैसे भी कुछ दिन पहले हमने एक रीडिंग की थी जिसमें हमने बोला था कि किसी के ब्लैक मैजिक्स और ब्लैक नेगेटिव डार्क एनर्जीज़ को अगर आप पे थोपने की कोशिश करेगा वो बैकफायर होंगी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले की है, पता नहीं कब की है, लेकिन करिए आप वीडियोज़ में देख लीजिएगा कब करी है, लेकिन बैकफायर होंगी। यहाँ पर किसी असुर की एनर्जीज आई हैं ठीक है, जिसका सत्यानाश ये माँ शक्ति करेंगी ठीक है, जिसका सत्यानाश करेंगी माँ शक्ति। ये देखो यही है वो डेविल, आप ध्यान से देखो, यही है वो, बस इसमें ऐसे करके पड़ा हुआ है ना, ये यही है यार, यही है, ध्यान से देखो यही है ठीक है। तो इसका 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 क्या हशर होगा, इनकी एनर्जीज आप देख लो, त्रिनेत्र ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात हमें एक चीज़ और लग रही है कि कुछ डेविल लोगों के इरादे आपके सामने खुद पर खुद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे थर्ड आई ओपन हो जाएगा और आप भांप लेंगे कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। बेसिकली इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए तड़ी पार कर दिया जाएगा, बिल्कुल दूर फेंक दिया जाएगा उठा के एकदम ठीक है। जो दूर दूर तक आपकी ज़िंदगी में फिर कभी आपको दिखेंगे नहीं ठीक है, ये डेविल इंटेंशंस वाले लोगों का ये हशर होने वाला है। पहला कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का, और जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना, माँ शक्ति और श्री कृष्ण रीडिंग्स में पधार गए हैं, तो डेविल का तो क्या ही हाल होगा। और फाइनल कार्ड लेंगे, देखेंगे कि फाइनल कार्ड क्या आ रहा है। पाइल नंबर टू, पाइल नंबर टू के लिए भगवान जी खुद से दाव दे दीजिए ना, हमको नहीं लेना है। हमको ही लेना पड़ेगा यार। पाइल नंबर वन देख लो, पाइल नंबर वन जाके देख लो, चैरियट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें श्री कृष्ण खुद आपके जीवन में आ रहे हैं लेकर ठीक है, एडवाइस, बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारी हेल्प, ग्रोथ, प्रोग्रेस ठीक है।
बेसिकली आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको आगे बढ़ने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु साक्षात आपके जीवन में आ रहे हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस, विद दिस लवर्स. हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का योगदान हो इस चीज़ में जो आपके लाइफ में बिल्कुल भगवान की तरह आए और आपके जीवन को बिल्कुल बदल दें. ठीक है, तो पाइल नंबर टू वाले प्लीज़ पाइल नंबर वन देख लीजिएगा. दो कार्ड रिपीट हुए हैं, ज़रूरी है, चार में से दो कार्ड रिपीट हो गए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड चैरियट. प्लीज़ जाके आप पाइल नंबर वन देख लेना, ज़रूरी है. हम जब बोल रहे हैं तो कोई कारण ही होगा. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे देख लेना, बट देख लेना. अब हम यहाँ से ये ले रहे हैं. ठीक है, आपने देख लिया, आपकी रीडिंग सेम है पाइल वन जैसी. और पाइल वन वाले प्लीज़ पाइल टू भी देख लेना आप लोग. ठीक है, अब हम ले रहे हैं सेक्रेट डेस्टिनी से चार कार्ड और देखते हैं कि क्या है आप लोगों की एनर्जीज में, जो माँ लक्ष्मी, माँ गणपति, माँ लक्ष्मी और गन्नू भैया आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे नवंबर में आपको ब्लेसिंग्स देंगे. ठीक है, पहला कार्ड आ गया है करेज. आप लोग कुछ बोलेंगे, बोलेंगे कुछ, देखेंगे. शक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, शक्ति का मतलब ही करेज होता है, स्ट्रेंथ है. पाइल नंबर वन का ऐसा ही कुछ आया था, शक्ति के नीचे थ्राइविंग आया था, यानी ये जो शक्ति है, करेज है, वो थ्राइव होगा, बढ़ेगा. और यहाँ पे शक्ति के नीचे करेज है. पाइल नंबर वन ज़रूर जाके देख लेना. ठीक है, किसी कारणवश ही बोल रहे हैं. एडिक्टिव रीडिंग आई है, क्या ज़रूरत थी हमको पाइल कराने की, इतनी मेहनत कराई है, हैं बजरंगबली, जान लोगे आप हमारी. खैर, पाइल वन भी देख लीजिएगा. ठीक है, करेज, स्ट्रेंथ, शक्ति के साथ भाई, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इसमें है आप लोग. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. नेक्स्ट पाइल नंबर टू के लिए टाइम स्टैम्प्स प्लीज आप लोग डाल दीजिएगा. हमें एक्चुअली आता नहीं है, अरे हमको कुछ नहीं पता है भाई. आपका मुखिया ना बिल्कुल सही में, हमारी जिया ठीक ही कहती है, गवार हो मिनी मासी, आप गवार ही है. आपका बिल्कुल जो वो है ना, आपका मुखिया गवार है, पुराने ख्याल का है ना, देहाती है. बट आपने इस देहाती को एक्सेप्ट किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है. हैं हमारे जैसे ही हैं आप लोग. फ्रीडम गाइस, कार्ड देखो कितना खूबसूरत है, मतलब उड़ेंगे आप लोग, उड़ेंगे उड़ेंगे. और ये ना किस चीज़ के साथ उड़ेंगे, अपने प्यार के साथ उड़ेंगे. तो लव इज़ इन द एयर गाइस. बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रू लव आ रहा है, जो आपको पंख देगा उड़ने के लिए अपनी लाइफ में, फ्रीडम. एक ये लाइफ पार्टनर भी आप ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, आपको छीलेगा नहीं, आपको बात बात पे जज नहीं करेगा. आज़ाद ख्यालों वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, जो ना सिर्फ खुद आज़ाद ख्यालों वाला होगा बल्कि आपको भी पूरी फ्रीडम देगा कि भाई जी ले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा जियो. मेल हो या फीमेल हो, ऐसा सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा सोलमेट प्रसाद के रूप में भगवान आपको आशीर्वाद की तरह ऐसे दे रहे हैं कि जा बेटा, तेरे को दिया तेरा सोलमेट, और ये इसके साथ खुश रहे, घर गृहस्थी अच्छे से बसाओ बस. ठीक है, फ्रीडम के साथ ये लवर आपकी लाइफ में आ रहे हैं. इससे बेहतरीन रीडिंग अभी तक तो हमने लगता है इन डेढ़ सालों में नहीं की है. द डेविल, वैसे एक ही कार्ड आया है जो ऐसा नेगेटिव है, लेकिन उसका भी जो है हालत ख़राब हो रहा है. फोकस डेविल के नीचे आया है. तो बेसिकली हम आपको वही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के अंदर किसी चीज़ का जो डिज़ायर हो सकता है, कोई टेम्पटेशंस होते हैं ना, गलत चीज़ों में आकर्षण, किसी गलत चीज़ों के प्रति अगर आकर्षित होते हैं, तो अपना फोकस डाइवर्ट करके अच्छी चीज़ों पर अपना फोकस लगाइए बजाय किसी डेविल पे. और वैसे भी हमने आपको बोला ना, पाइल नंबर वन देख लेना, किसी प्रकार का ट्रुथ, हिडन डेप्थ्स, बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है. और वैसे पाइल वन, पाइल टू में भी आया है, पाइल वन में क्यों, पाइल टू में भी आया है, हाई प्रिस्टेस है ना, तो आप लोगों को खुद ही ट्रुथ का पता चल जाएगा, बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आएंगी. और यहाँ पर आया है फोकस, तो अपना फोकस हटाइए मत, देखिए बिल्कुल चीता वाली फोकस पे रखिए निगाह. ठीक है, ये देखो करेज, शक्ति, मतलब लिटरली फ्रीडम. ठीक है, उसके बाद फोकस, मतलब कार्ड्स बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से. थोड़ा नेचर से कनेक्ट कीजिएगा पाइल टू वाले, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा. नेचर मतलब प्रकृति का आनंद उठाइए. ठीक है, बताते हैं हम आपको, बता ही देते हैं क्यों बोला हमने. इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये प्रकृति है, वो दिखाते ना मुंबई,
बीच और ये सब होते नहीं है जो टीले हों, पहाड़ हो, पानी टकराते हैं ना एक दूसरे से, लहर उठती है, वैसी वाली जगह है ये। ठीक है, यहाँ पर चिड़िया है, नेचर ही नेचर है पूरा, है ना, देखो उड़ रहे हैं जानवर, नेचर नेचर के प्रति पक्षी, पशु पक्षी, यहाँ पे पशु है, पीछे पहाड़ है, बर्फ़ है, प्रकृति दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर लिखा है पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष एंड प्रकृति, तो ये वो कारण है, इसलिए हमने आपको बोला है कि प्रकृति से आप कनेक्ट करें, नेचर से आप कनेक्ट करें। ठीक है, अंधाधुंध कुछ नहीं बोलते, कार्ड्स देखते हैं इंट्यूटिवली, जो मैसेजेस आते हैं एंजल्स बुलवाने को बोलते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं भाव देते हैं। तो पाइल नंबर टू वालों के लिए एक कार्ड और लेंगे लास्ट, इसमें से मतलब सेक्रेट डेस्टिनी में से, नहीं इतने सारे कार्ड्स एक साथ थोड़ी लेंगे, ये देखो कितने हैं, अरे बाप रे, तीन तीन कार्ड्स लेंगे, एक कार्ड और लेंगे फाइनल कार्ड और आपकी रीडिंग में बाकी के दूसरे टैरो डेक्स में से देखेंगे पाइल टू वाले। अरे बाप रे, एक घंटा हो गया, अरे पाइल टू वालों की जिंदगी में माँ गणपति, अरे माँ गणपति बार बार माँ गणपति बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पता नहीं गन्नू भगवान जी फीमेल्स को स्पेशली माँ होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं, गणपति जी ने ये मैसेज दिया है। ठीक है, और यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट गणपति जी ही आएंगे आपके जीवन में, है हष्ट पुष्ट बालक। ठीक है, पता नहीं किसके लिए मैसेज है भाई, लेकिन एक आध लोगों के लिए होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो दो कार्ड आए हैं जिसमें दो कार्ड, मतलब ये कार्ड आया है, इसके नीचे एक और कार्ड था, उसने थोबड़ा नहीं दिखाया लेकिन इसके नीचे ही था, अपराइट ही था, मतलब ऐसे ही पोजीशन में था, बस उसका थोड़ा सा ये पार्ट दिखाई दिया है। तो ये पार्ट देखने से तो हमको नहीं पता चलेगा क्या है, तो हमने उसको रख दिया क्योंकि हमको चार ही कार्ड लेने हैं और बाकी का पूरा पता नहीं क्या लिखा था, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हमको दिखाई दिया, पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है और हमने वो कार्ड नहीं लिया है। हम जो होता है वो आपको सच ही बताते हैं। यहाँ पर है स्टिलनेस, जिसको हम बोलते हैं स्थिरता, और वो पाइल नंबर वन की लाइफ में हमने देखा कि स्थिरता आ रही है। यहाँ पर भी स्टिलनेस का कार्ड आया है विद दिस स्वान, पता नहीं हमको इसको देख के ना वो रोज क्वार्ट्ज वाली वाइब्स आई है, लव 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 वाली वाइब्स आई है, प्रेमी जोड़ा। ठीक है, ढूंढने बहुत टाइम से जिसको आप किसी पर्टिकुलर सोलमेट को खोज रहे हो, कहाँ है हमारा ट्रू लव, कहाँ है हमारे वो सपनों का राजकुमार। ठीक है, शायद आप अवॉइड करते रहे हैं अब तक, आप सोच रहे हैं कि भाई प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन आप लोगों को प्यार के चक्कर में पड़वाया जाएगा, यू विल अगेन फॉल इन लव विद समवन। और पता नहीं नया पुराना जैसा भी है, लेकिन आप लोगों को प्रसाद के तौर पे ये दिया जा रहा है, आशीर्वाद के तौर पे आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है, बेसिकली ये रहा वो स्टिलनेस। आपके लाइफ में स्थिरता भर भर के आ रही है, फोकस रखिए, फोकस रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए बस। तो ये सारे कार्ड्स हैं और सारे ही कार्ड्स आप देखेंगे ना नेचर से कनेक्टेड हैं, ये सब नेचर है, ये सब बर्ड नेचर है। ठीक है, और यहाँ पर फोकस है, ये सब पहाड़ नेचर है, नेचर है, बैकग्राउंड नेचर है। यहाँ पर भी जो ये स्वान है ये नेचर है। और दूसरी बात, हमें एक और चीज़ लग रही है कि दो दो बर्ड हैं, क्योंकि किसी प्रकार का मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे चैरियट भी है, तो किसी की तरफ से एक मैसेंजर की तरह कोई आपके जीवन में आ रहा है। मैसेंजर बोले तो एक मैसेज, आपके जीवन में एक मैसेज आ रहा है, किसी चीज़ का भी मैसेज हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब ऑफर मेल्स मेल के थ्रू आए, या टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप, या लिटरली कोई चिट्ठी आए, या कोई कुछ भी आए, मतलब एक मेल की तरह कोई बर्ड है ना, बर्ड मैसेंजर, तो कोई मैसेंजर आपकी लाइफ में इसी प्रकार का आ सकता है, कुछ आप रिसीव करने वाले हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो टैरो डेक है वो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और ये रहा वो डेक जिसमें से हम कार्ड्स लेंगे दो पाइल नंबर टू वालों के लिए। पाइल नंबर टू वालों के लिए क्या आ रहा है, हमें ना पता नहीं यही कार्ड लग रहा था, भगवान कसम, भगवान कसम, मतलब भगवान कसम, आप लोगों को हम भी यकीन नहीं है ना, इसलिए हमको कसम खानी पड़ती है, भगवान कसम, दो कार्ड में हमने ये कार्ड सोचा था और ये रहा फ्रेंडशिप। ठीक है, तीन लोग हैं, थ्री ऑफ कप्स वाली वाइब्स देता है, पता नहीं कुछ लोगों का रियूनियन भी हो सकता है अपने पुराने पार्टनर से ही,
ऐसे जा रहा है तो क्या करें बताओ। अगर आप नहीं भी चाहते हो हम क्या करें, वो आपकी मर्ज़ी, आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन भगवान जी उनको मिलवाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली फ्रेंडशिप है यहाँ पे, ठीक है, फ्रेंडशिप, नए नए दोस्त भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, फेरीज हो या ह्यूमंस हो, दोनों को ही ज़रूरत पड़ती है दोस्तों की। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अब वो टाइम आ गया है कि आप उन लोगों को ढूंढें जो आपको सपोर्ट करें और एनकरेज करें आपकी जर्नी में, आपके पूरे सफ़र में, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये देख लीजिए। और हमने आपको इस कार्ड को देख के बोला ही था कि एक ऐसा सोलमेट आपको दिया जा रहा है जो आपको फ्रीडम देगा, आपको खुल के जीने की पूरी आज़ादी देगा। तो अब वो टाइम आ गया जब आप ढूंढें ऐसे लोगों को जो आपको सपोर्ट करें, आपको एनकरेज करें, ताकि आप अपनी सपनों को साकार कर सकें। देखिए ये वही लिखा हुआ है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जाके रिवाइंड करके सुन लीजिएगा कि आपको आज़ादी देने का कोई पार्टनर भी आप ऐसे अपनी लाइफ में आपको भगवान जी दे रहे हैं जो आपको पूरी आज़ादी देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नज़र ना लगे। पाइल नंबर टू, फाइनल कार्ड, ओरेकल ऑफ द एरिस, फेरिस से एरिस, तो कुछ लोग हो सकते हैं वो हो, एरीज हो, मेष राशि वाले, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, आपके तो मतलब ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए लोग दे ही रहे हैं भगवान जी, ऊपर से वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने सपनों को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ठीक है। ग्रीन कलर यहाँ पे भी आया है और हार्ट चक्रा न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली आप। अच्छा, यहाँ पे लिखा है यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स, आप अपने प्रेशियस ड्रीम्स के खुद ही गार्जियन हैं, ठीक है, एंड दे आर सेफ इन योर केयर, वो बिल्कुल सुरक्षित है आपके, आपकी नज़र में है, आपके उसमें है, आपकी केयर में है, ठीक है। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम, बिल्कुल अपने दिल तक उन दिल से उनको ऐसे लगाए रखें, हृदय तक उन सपनों को हमेशा लगाए रखें, जब तक आप उनको पा नहीं लेते, जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं कर देते कि वो सपना आप जी लिए हैं, ठीक है, तब तक आप उनको अपने दिल से लगाए रखें, जब तक आप उनको पा नहीं लेते, फॉलो नहीं कर लेते हैं, यू अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम, कि वो सपना आपका फाइनली पूरा हो गया और अपने हृदय से उस सपने को निकाल दिया, क्योंकि सपना पूरा हो जाएगा तो आप फिर दूसरा सपना देखेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप खुद पढ़ लीजिएगा और खुद समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, धन्यवाद। अब एंजल आंसर्स में से दो कार्ड लेंगे और देखेंगे कि पाइल नंबर टू के लिए क्या हुक्म है माँ लक्ष्मी का और माँ तारा का, ठीक है, और गणपति जी का क्या आदेश है, ठीक है, क्या आशीर्वाद है, एंजल आंसर्स क्या बताना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, भाई पता नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भर भर के धन आ रहा है, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे तो मतलब ऊपर से वही सोना चांदी बरस रहा है, एकदम भर भर के सोना बरस रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये जो स्टिलनेस आ रही है ना विद दिस चैरियट इसके टॉप पे, तो ये जो है ये अपॉर्चुनिटी और धन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं भर भर के आपकी लाइफ में, मनी, फ्रीडम, लव, फ्रेंडशिप, क्या चाहिए और क्या चाहिए आपको, लालच बुरी बला है, ठीक है। और एंजल आंसर्स से दूसरा कार्ड लेंगे, यानी फाइनल कार्ड, कि पाइल नंबर टू वालों के लिए क्या आ रहा है। भाई लॉटरी है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, डेविल आया तो है लेकिन उसका भी सत्यानाश करने के लिए हाई प्रिस्टस पधारी हुई हैं, बाकी तो मतलब फाइनल कार्ड ले रहे हैं, ठीक है। एंजल आंसर्स में से ये कार्ड आया है, ठीक है, बहुत सारे कार्ड आए थे, हमने देखा नहीं, गिरा था अपराइट ही, लेकिन हमने देखा नहीं, जो देखा वो ये देखा, दिखाया हमको यही कार्ड गया है, ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये जस्टिस वाली वाइब्स दे रहा है आपको, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता। तो कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्वियसली हमने रिकन्सिलिएशन वाली भी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हो सकता है आपके पुराने पार्टनर से आपको रिकनेक्ट कराया जाए। देखिए भगवान जी जब जो चाहेंगे, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी ना, भगवान जी अगर आपको आपके पुराने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद समझ लीजिए, वो चेंज होके ही आ रहे होंगे, कुछ उन्होंने सोचा होगा भगवान जी ने कि आपको इन्हीं के साथ आपको हमेशा रहना है, ठीक है। तो
कई बार होता है ना, भगवान जी की ही चलती है, सब कुछ ऊपर वाले पे उन पे ही छोड़ देना चाहिए, सबका मालिक एक है, ठीक है। कई बार नहीं चलती है हम लोगों की, तो इसलिए टिम लक लक थे, टिम लक लक, गो विद द फ्लो रही है, ठीक है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। और ये जो कार्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, और समवेयर हमें ये जस्टिस की वाइब्स दे रहा है, तो ये समझौता, इसको कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो समझौता होता है, तो समझौता का तो हमने आपको मीनिंग बताया है कि क्या हो सकता है, लेकिन समवेयर ये एक जस्टिस है आप लोगों के लिए। तो अपॉर्चुनिटी और जस्टिस, ये दो कार्ड आए हैं पाइल नंबर टू वालों के लिए, लेकिन हम निवेदन आपसे कर रहे हैं पाइल नंबर वन भी देखने के लिए, तो कोई कारण ही होगा। और पाइल नंबर टू वाले कृपया पाइल नंबर वन देख लेना, पाइल नंबर वन वाले कृपया पाइल नंबर टू देख लेना। कलेक्टिव ही ऑलमोस्ट रीडिंग निकल के आई है, मुबारक हो, ठीक है, खुश रहिए। सारी रीडिंग आप लोगों के लिए ही है, कलेक्टिव ही समझिए इसको, ठीक है। लेकिन हम जो है उसमें पिकअप आयल ही लिखेंगे हेडिंग में, क्योंकि हमने तो पिकअप आयल की है ना, तो पिकअप आयल ही लिखेंगे, लोगों को ठगेंगे थोड़ी उल्टा सीधा लिख के कलेक्टिव समझ के, तो सबको क्यों हम किसी को पागल बनाएं। पिकअप आयल है तो पिकअप आयल वाली ही हेडिंग डालनी पड़ेगी हमको ना, मजबूर है हम, है ना, जो हमने करी है तो करी है, क्या करें। लेकिन ये पाइल नंबर टू की रीडिंग थी, ठीक है, तो रीडिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, ख़त्म हो गई, तो चलते हैं, दुकान बंद, ठीक है। चलिए अपने अपने घर निकलिए, सब सो जाइए, जाके खाना वाना खाइए और सो जाइए। तो हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, भगवान करे ये रीडिंग आप लोग नहा लें, इस रीडिंग से बिल्कुल सत्य साबित हो, एक एक शब्द जो हमने बोला है हमारी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान रहे, और जो जो बोला है वो आप लोगों के जीवन में हो जाए बस अब की बार, ठीक है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ही ऐसा रहिए, डूबुलंड से वेरी गुड गॉड ब्लेस यू, बोला महाराज के बाद भर भर के है भाई, भर भर के, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। और कीप ग्रोइंग, कीप प्रोग्रेसिंग, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने कर्मास को बैलेंस करते रहिए, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों के जीवन में कर्मा देवता पधारें, और जिस जस्टिस का आप बहुत लंबे टाइम से जिस जस्टिस और जजमेंट का वेट कर रहे हैं वो आप देख पाएँ, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और रीडिंग्स जो है कृपया दिवाली के बाद बुक करें। जिन लोगों ने हमें मेल किया है प्लीज़ थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें। जो स्कैनर वगैरह है वो हम शेयर दिवाली के बाद ही करेंगे, क्योंकि आज और कल हमारे पास समय नहीं होगा ना, थोड़ा सा आप देख लो ना अभी घर में, थोड़ा सा वो फूल पत्ती टांगना है, कुछ वो होता नहीं है झालर वालर वो सब लेकर आए हैं, इधर उधर थोड़ा सा लगाएंगे, तो समय नहीं है, इसलिए रीडिंग नहीं हो पाएगी। आपको तो पता है 48 आवर्स के अंदर रीडिंग डिलीवर करते हैं ना, हमारी भी तो कोई कमिटमेंट है, अगर अभी आप पैसे दे देंगे रीडिंग बुक हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो हमारी नींद उड़ जाएगी ना, नींद आराम हो जाएगी कि भाई उसकी 24 घंटे निकल गए, 48 आवर्स निकल गए। तो कल के बाद, यानी कल के बाद क्या तारीख है, फ्राइडे आ जाएगी, फ्राइडे को रीडिंग बुक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बिल्कुल टाइमली 48 आवर्स के अंदर रीडिंग डिलीवर करेंगे, हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। हैप्पी दिवाली, भर भर के हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मुखिया जी हमेशा अपने गाँव वासियों को सुखिया देखना चाहता है, मुखिया के जीवन का तो नहीं, मुखिया बहुत खुश है, ठीक है। आप लोगों को कुछ बोलेंगे आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं, खुश है मुखिया आपका, खुश है। आप लोग इतनी दुआएं भेजते हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है, तो मुखिया आपका हैप्पी है, ठीक है। आप लोग भी हैप्पी रहें, ठीक है, नज़र ना लगे आप सबको, हैं, सबकी नज़र उतार लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। परिवार है हम आपका, आप हमारा परिवार है, इमोशनल हो जाएंगे उससे पहले हम विदा ले लेते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।